So before coming to the point, I would like to introduce ourselves, myself Hari Techi, General Secretary of Arunachal Pradesh Post Graduate Association. The right of me is our president, Arunachal Pradesh Post Graduate Association. Then backside of me is one of the joint secretary from the school. तो लेटेस्ट कमिंग टू द पॉइंट तो हम लोगों ने आज यहाँ अरुण भूमि चैनल के माध्यम से एक ग्रेविशस प्लेस करने जा रहा है और ये जो ग्रेवेंशस है ये सिर्फ पीजीटी का बोल के नहीं है ये हर एक माँ पिताजी और ये लोग भाई बहन जो है इन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए उसको गौर से सुनने से तब समझ में आएगा और हमारा यहाँ में जो टीचर का डिजिग्नेशन को तो बताना चाहूँगा यह टीचर पहले असिस्टेंट टीचर जो बोलते थे अभी उस असिस्टेंट टीचर को अभी डिजिनेशन न्यू डिजिग्नेशन आफ्टर टू थाउजेंड टेन के बाद जब बायप्रक्रेशन करने के बाद एलिमेंट्री और सेकेंडरी बायप्रक्रेशन करने के बाद असिस्टेंट टीचर को पीआरटी कहा जाता है प्राइमरी टीचर बोल के और जो जूनियर टीचर है जो जे हम लोग कहा करता था इसको आजकल उसको टी ती, जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर माना जाता है जो सीनियर टीचर जो है वो सीनियर टीचर को आजकल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर माना जाता है तो हम लोग आज यहाँ आने का मकसद ये है कि हम लोग का कई साल से हम लोग का एक तो आरा डिफेक्टिव चल रहा है जो कि वे बेट नाइनटीन एटी थ्री को बनाया वाला है आज तक रेक्टिफाई नहीं हुआ और इस मुद्दा को लेकर के कई बार हम लोगों ने एप्लीकेशन हर ऑफिस में सबमिट किया लेकिन आज तक कामयाबी नहीं हुआ तो हम लोगों का सोच था कि हमारा पक्ष में हमारा अपेक्स बॉडी है जैसे आता और गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वो अपना से कुट से कुट जो ग्रीवेंस है और सही है उसको देख के करेगा बल्कि वही भरोसा में हम लोग कई साल रखा तो आज हम लोग उस चीज़ को कोई भी मतलब चीज़ ध्यान नहीं दे रहा है बल्कि आज हम लोग इस अरुण भूमि चैनल के माध्यम से हम लोग थोड़ा बताना चाहूँगा सबसे पहले यहाँ हम लोग एक आर आर डिफेक्टिव दिखाई देता है तो ये आर आर डिफेक्टिव में हम लोग जो देखने से यहाँ में नंबर वन हम लोग जो देखते हैं यहाँ पी आर टी जो असिस्टेंट टीचर है तो उसका वहाँ से नेक्स्ट प्रमोशन जाता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो आपको हम लोग जूनियर टीचर बोलते हैं जूनियर टीचर के बाद क्या बनना चाहिए सीनियर टीचर जिसको हम लोग अभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोला जाता है तो वो होना चाहता uh, है उसके बाद फिर यहाँ से फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बाद हेड मास्टर और वाइस प्रिंसिपल बनना है वाइस प्रिंसिपल के बाद प्रिंसिपल उसके बाद दीदी ऐसी उसके बाद ज्वाइंट डायरेक्टर डायरेक्टर ऐसे जाना चाहिए था तो इस आरआर में जो अभी प्रेजेंट आरआर आर हम लोग का अरुणाचल में ऐसे चल रहा है कि जो पीआरटी से टीजीटी जो जाना चाहिए था वो सही ढंग से यहाँ में हंड्रेड परसेंट जा रहा है और टीजीटी से पीजीटी जी यहाँ में आपका थोड़ा मानो हम लोग का आरआर डिफेक्टिव है टी जी टी से पी जी यही भी सही है यहाँ भी हंड्रेड परसेंट प्रमोशन टिक है लेकिन पी से जब हम एच की ओर देखते हैं तो यहाँ जाके काफ़ी मतलब डिफेक्टिव आर दिखाई देता है तो उसके बाद यहाँ में क्या है बोलने से जो टी है तीजी जो पहले क्या बनना चाहिए था पी बनना चाहिए था जो पी नहीं बन करके उसने क्या किया यहाँ पी नहीं बन करके वहाँ से सुपर सेट करके उसको नहीं बन के और उससे जंप करके क्या बन रहा है यहाँ में हेड मास्टर और वाइस प्रिंसिपल बन रहा है तो वो भी मतलब इतना हाई परसेंटेज के साथ सेवेंटी परसेंट uh, जो हम लोग जो पी नहीं बन करके वो हेड मास्टर और वाइस प्रिंसिपल बन के जा रहे हैं उसके बाद फिर यहाँ से जो पीदर ग्रेड है असली जो पीदर ग्रेड है जैसे पी जो असली पिदर ग्रेड होना चाहिए हेड मास्टर और वाइस प्रिंसिपल का तो यहाँ हम लोग देखा जाने से क्या होता है इसको सिर्फ तरती परसेंट दिया जबकि वो पीदर ग्रेड है जिस तरह मतलब पीदर ग्रेड होने का बावजूद भी उनको तरती परसेंट है और उसका आगे जैसे देखिए देखिए जैसे हेड मास्टर और वाइस प्रिंसिपल के बाद जो प्रिंसिपल हेड मास्टर और वाइस प्रिंसिपल का प्रिंसिपल बनना है यहाँ भी हम देखते हैं तो हंड्रेड प्रमोशन जा रहा है और प्रिंसिपल से दीदी ऐसी यहाँ भी हंड्रेड परसेंट प्रमोशन जा रहे हैं दीदी ऐसी है। उससे हायर वाला पूरा प्रमोशन मैंने हंड्रेड परसेंट जाता है और नीचे में भी हंड्रेड परसेंट जा रहा है लेकिन बीच में जाके हमारा पी जी टी को बहुत मतलब यहाँ में मैंने डिफ्राइव किया जा रहा है तो ये जो बनाने का मकसद भी हुई था कि नाइनटीन एटी थ्री में जो जिस मेरा पी जी टी जो बहुत कम नंबर्स हुआ करता था लेकिन आज हमारा पी जी टी बहुत काफ़ी नंबर्स बढ़ चुके हैं तो इसको हम लोग आज हम लोग ये बोलने आए कि अब ये जो टी जी टी जो टी में क्योंकि बहुत सारा मतलब यहाँ स्कोप है टी जी से क्या बी बन जा रहा है डी बन रहा है ए बन रहा है डी बन रहा है तो और पी में आप हंड्रेड परसेंट पी ले रहे प्रमोशन लेकिन पी नहीं बन के आप यहाँ से ये जो आपका एच एम बी पी ये यहाँ में क्या होता है प्रोगो कर रहा है हम लोग को प्रोगो करने से क्या और हम लोग के लिए हम लोग सब्जेक्ट टीचर का सोर्थीज हो रहा है यहाँ पे ना तो हम लोग का कहना है कि इस चीज़ को स्ट्रीम किया जाए तो आप यहाँ में पहले पी टी ती जो जो जूनियर टीचर सीनियर टीचर बन जाइए ना सीनियर टीचर बनने के बाद आप हेड मास्टर वाइस प्रिंसिपल तो जो टी जी ती हेड मास्टर बनने तक भी हम लोग थोड़ा तो सहमत है क्योंकि यहाँ में सेकेंडरी स्कूल तक चलाता है लेकिन जब हायर सेकेंडरी का जब बात करता है तो यहाँ में तो आप हायर सेकेंडरी बनने के लिए आपको पहले तो आप ये बना सीनियर टीचर बनना पड़ेगा जो पी जो बोलता है पी बनना पड़ेगा देन आप वाइस प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का सर प्रिंसिपल तो हायर जाने से आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल सकता है तो अभी हम लोग यहाँ में देख रहे हैं अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा अरुणाचल में अभी जो एजुकेशन में आर आर जो ऐसे हो रहा है कि जैसे एक जेई है तो जेई जो मानो नेक्स्ट क्या बनना चाहे ए ही बनना चाहता असिस्टेंट इंजीनियरिंग बनना चाहता वो क्या नहीं ऐसे नहीं बन करके असिस्टेंट इंजीनियर नहीं बन के जेई जो डायरेक्ट वो एग्जी जुक, एग्जीक्यूटिव एक इंजीनियर एक्शन बन जाता है तो ये कहाँ से मतलब ये जो मतलब इसे इनजस्टिस नहीं है बोल के हम लोग जो आज ये मुद्दा रख रहा है कि इसी को स्ट्रीम किया जाए और जो पी जी से आप हेड मास्टर वाइस प्रिंसिपल को जाने देगा बोल के हम ये मांग कर रहे हो इसका ये अरुण भूमि के चैनल की, की तरफ से तो उसके बाद अगर आप इन केस अगर यहाँ पे जो पी से अगर ये जो आप पी टी से पी को जम्प कर सकता है तो हम लोग का मांग है कि अगर वो भी अगर ऐसे अगर कर सकता है तो सेवेंटी परसेंट लेके जाप कर सकता है तो हम लोग कहना है कि उसी लाइन में जो टी जो एच एम बी पी बन करके जो पी जी टी नहीं बनकर सेवेंटी परसेंट है उसी लाइन से हमको भी क्या करना है पी जी टी को आप डायरेक्ट एच एम बी पी नहीं बन करके जो प्रिंसिपल पोस्ट में दे दीजिए तो देने से बहुत अच्छा भी क्यों बोलने से यहाँ में आपका क्लियर कट लिखता है कि सी सी इस बार सी सी एस रूल में तो एक वन रिलीवेंट पिदर ग्रेड से मतलब प्रमोशन नेक्स्ट हायर ग्रेड में सीनियर मोस्ट दे के लेकिन हमारे अरुणाचल में हम देख रहे हैं तो सीनियर मोस्ट भी सीनियरिटी को भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं और प्लस यह में चीज़ देख रहा है कि जब पीदर ग्रेथ को निगलेक्ट किया जा रहा है तो इसलिए इस पीदर ग्रेड को निगलेक्ट ना कर, करें तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग का दिमाग है इसलिए आप लोग अगर जो अभी एग्जिस्टिंग आरआर को नहीं बदलना है तो ऐसे रहने देखें तब तो, तो हम लोग पी को डायरेक्ट प्रिंसिपल बना देने से अच्छा है वही सेम लाइन फिर बात को पी को भी आप डायरेक्ट पी जी टी नहीं बना दीजिए तो ऐसे होकर क्लेम करने लगे लगोगे तो बाद में गवर्नमेंट के लिए भी बहुत तकलीफ होगा और सब के लिए तकलीफ होगा बोल के हम लोग इसलिए हम लोग बोला है कि आप स्ट्रीम करने से किसी का दुख नहीं होगा ये तकलीफ नहीं होगा बोल के ना इसलिए उसको खर देने से बहुत बढ़िया रहेगा देन नेक्स्ट में हम लोग जो देखता है हम लोग जो बोलता है कि जहाँ में हम जो जब हम पीजीटी टीजीटी को जब बात करते हैं हम लोग टीजीटी कुछ कुछ टीजीटी बहुत रैली मतलब बहुत सारा टीजीटी है जो रैली मतलब इंटरेस्ट देते पढ़ाने में तो कुछ टी को आप पी में प्रमोशन दे रहे हैं और कुछ को फिर आप एच में प्रमोशन दे रहे हैं तो ये डिफेक्टिव आ रहा है बोल के उसको हम लोग एक ढंग से बनाने से बहुत बढ़िया है बोल के अभी हम लोग जो देखते हैं कि इस चीज़ को मुद्दा को जब हम गवर्नमेंट लेवल में जो डिपार्टमेंट को जब बात करता है तो इन लोग बोलता है कि आप लोग से मतलब पी से टी का नंबर बहुत ज़्यादा है तो मेरा कहना है कि हम लोग जब प्रमोशन का तर्म जब बात करते हैं इसमें सीनियरिटी को देखा जाता है पीदर ग्रेड को ध्यान देना चाह दिया जाता है लेकिन हम लोग यहाँ में देख रहे हैं तो पीदर ग्रेड को इग्नोर कर रहे हैं अब नंबर बेस में कर रहे हैं तो नंबर बेस होने से तो हमेशा जैसे पी का नंबर तो टी से ज़्यादा होता है और टी का नंबर तो फिर पी से ज़्यादा होता ही है और अभी जो जैसे कि एच एम का नंबर से मेरा पी का नंबर ज़्यादा है तो इसमें तो वैलिड रीज़न नहीं होता है कि आप नंबर बेस में आप प्रमोशन दिया जाता है इसलिए मैं चाहता हूँ नंबर बेस ना करें और सीनियरिटी को मेंटेन किया जाए और फीदर ग्रेड को मेंटेन किया जाए तो उसके बाद हम ये चीज़ को क्यों हम लोग प्रिंसिपल पोस्ट को भी क्लेम कर रहे बोलने से इसमें भी एक जूनियन बनता है कोई कोई आर जैसे आपको गेंगटक तो का सिक्किम का जो आर है इसमें हम लोग देखते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को फिफ्टी प्रमोशन प्रमोशन में फिफ्टी दिया गया है और तेजी तो जिस तरह अभी जो यहाँ में जो अरुणाचल में ऐसे दे, देने से उसका कॉम्पेन्ट में यहाँ में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को आप प्रिंसिपल पोस्ट में दायरे दिया जा रहा है तो उसी लाइन में करने से भी हम लोगों को कॉम्प्लेन नहीं है तो इस चीज़ को इस मुद्दा को हम लोग कई बार चर्चा भी किया बात भी किया और अभी तक मतलब उसका नतीजा नहीं निकला है तो हम लोग जो हम देखा जाने से क्यों मतलब यहाँ में देखता है तो जो तेजी तीजो है तेजी ती प्रगो करता है पी जी बनना नहीं चाहता है तो इसका रीज़न भी ये है कि अब गवर्नमेंट जो सरकार हमला हमारा जो राज्य सरकार है अरुणाचल प्रदेश जिसमें हम देखते हैं तो यहाँ में डिफेक्टिव आ रहा है जैसे कि आप उसको एक रास्ता बना के रख दिया तो उधर डायरेक्ट जो एच एम हेड मास्टर और वाइस प्रिमेंट बनने का आप रास्ता बना के रखा है इनका भी कसूर नहीं है जब आप रास्ता बना के रखा तो जाना ही पड़ेगा इसलिए वो लोग क्या कर रहा है पीजीटी कोई नहीं बनना चाहता है और यहाँ में प्रोगो करके प्रोगो मतलब पीजीटी जी बनना नहीं चाहता है ऐसे होकर क्या करता है वो डायरेक्ट एच एम को रुकते 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 रुकने से क्या होता है और वहाँ नेक्स्ट जो पीजीटी जी के लिए सब्जेक्ट टीचर नहीं बन जाते सब्जेक्ट टीचर हम लोग को सोतेज हो जाता है इस चीज़ को हम लोग पब्लिक भी ध्यान देने सीखे और हम लोग डिपार्टमेंट भी ध्यान देने सीखे और यहाँ में क्यों हम लोग सब्जेक्ट टीचर सोरतेज हो रहा रीज़न जो ये है कि आपका टू में जब एलिमेंट्री और सेकेंडरी बायप्रिकेशन हुआ था उसी समय से हम लोग देखते हैं तो अभी टी को भी क्या कर रहा है सब्जेक्ट वाइज अपॉइंट कर रहा है जैसे टी हिस्ट्री टी इंग्लिश टी जी टी जोग्राफी टी मैथमेटिक्स टी साइंस बोल के नहीं अभी क्या कर रहे हैं टी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें भी टी में भी सब्जेक्ट वाइज अपॉइंट कर रहे हैं तो वो जब आप सब्जेक्ट वाइज अपॉइंट कर ही रहे तो उस सब्जेक्ट टीचर को आप अगर पीजीटी में प्रमोट करता है तो हमारे स्टेट में कोई भी स्कूल ऐसे नहीं रहेगा कि जो सब्जेक्ट टीचर कमी हो वो हमेशा हर जगह में पुल पिल होगा अभी हम लोग देखते हैं तो बहुत सारा हायर सेकेंडरी में जो पीजीटी जी जो सीनियर टीचर जो नहीं होता है नहीं होने का रीज़न यही है इसलिए उसको रेक्टिफाई करने से बहुत अच्छा रहेगा मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोग को जितना जो गवर्नमेंट लेवल गवर्नमेंट को हम लोग का ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट है और हमारा अरुणाचल का जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देन जितना जो डिपार्टमेंट का हेड एच ओ डी जैसे लोग सब को सबको हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि उसको आप लोग करें तो इसी बीच में हम लोग जो फाइटिंग कर रहा था जब जब उस चीज़ को एच एम बी पी के लिए जो फाइटिंग कर रहा था उस समय क्या हो रहा है तो इसमें हम हम लोग बोलते हैं कि आप हेड मास्टर और वाइस प्रिंसिपल बनने के लिए पी जी टी क्यों बनना चाहता है तो इसका रीज़न भी है क्यों रीज़न मन रीज़न है क्योंकि आपका यहाँ में अरुणाचल गवर्नमेंट जो अरुणाचल प्रदेश एक्स्ट्रा गजेट बोल के आपका अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी अगस्त टू थाउजेंड टेन में अपने एक यहाँ में रोस्तर बनाया गया है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का रोस्तर है इस रोस्तर में हम देखा जाने से प्रिंसिपल और हेड मास्टर को ट्वेल्व पीरियड्स लेना है एक वीक में एक मन वीक में सप्ताह में और बाइस प्रिंसिपल को कितना पीरियड्स लेना है एटीन पीरियड्स लेना है पर वीक को तो उसको हम लोग देखा जाने से एक वो टीचिंग एक्सपीरियंस पी एक्सपीरियंस नहीं होगा तो हायर सेकेंडरी लेवल में कैसे करके बच्चा का कारिकुलम के का बारे में जानेगा और कैसे करके बच्चा जो बच्चा को मतलब जो सही पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है बारे में मालूम होगा इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको पहले मन अगर एच या आपको प्रिंसिपल बनने के लिए वो पी बनना बहुत ज़रूरी है बोल के हम लोग का सोच ये है और बाकी तो आप लोग खुद जाने आप लोग खुद भी देखना चाहिए उसको ना तो देन नेक्स्ट हम लोग यह हमें देखता है तो तो उसी हम लोग बीच में हम लोग पाइपिंग कर रहा था तो करते करते तो अभी गवर्नमेंट को भी हम लोग क्लेम किया बोर्ड कई लेटर भी लिखा आता को भी लिखा है तो आता ने अभी चीज़ को अप किया इसलिए आता सी सी को भी मैं तहे दिल से मेरा पी जी टी के और से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा तो आपका इनिशेटिंग में हम लोगों ने काफी डिस्कशन भी किया तो डिस्कशन करके हम लोगों ने आता का साथ डिस्कशन हुआ उस डिस्कशन में हम लोग एक तो रिजोल्यूशन एडॉप किया था तो हम लोग ये बारबेली हम लोग बात किया था कि 2010 को बेस ईयर रखा जाए क्यों हम लोग 2010 को बेस बेस ईयर रखा जाए बोलने से क्योंकि वे बैक आपका 2000 से पहले जो तो इसमें सब्जेक्ट टीचर सब्जेक्ट वाइज अपॉइंट नहीं हुआ था उस टीचर जो है आरआर को भरोसा करके जो प्रेजेंट आर को भरोसा करके कोई हेड मास्टर बनना चाहता है कोई प्रिंसिपल बनना चाहता है वाइस प्रिंसिपल बनना चाहता है उन लोगों को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने टू को रखा तो टेन को रखा अता भी प्रपोज किया टू को बेस ईयर रखे बेस ईयर मतलब टू तक जो अपॉइंटमेंट है तो वहाँ तक का मैंने प्रमोशन को जो फिफ्टी फिफ्टी रेशो में जाएगा और उसके बाद 2010 के बाद जो 2011-12 उसका बाद जो है उसको सिंगल इंट्री दौर बनाना है टीजीटी को सिंगल इंट्री दौर बनाना है बोल प्रपोज प्लेस किया तो हम लोग ऑल कैटेगरी ऑफ टीचर का मीटिंग भी हुआ था हर कैटेगरी ऑफ टीचर मीटिंग हुआ था उस टीचर मीटिंग में अतः ने सही ढंग से अपना जो मुद्दा को रखा प्लेस किया टेबल में तो प्लेस करते करते हम इसमें हम लोग डिस्कशन करते करते लास्ट में ये पता ये बात की बात की कंक्लूजन आया ती जी टी एग्री हुआ है कि 2019 को एज ए बेचियर मानकर चले और 2010 तो 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 को नहीं रख के को रखना है के इन लोगों का कहना था तो उसी को हम लोग जो इस उसी चीज़ को हम लोग मानना है नहीं मानना है बल्कि हम लोग आज कल जो गया कल को जो पोटीन में हमारा पीजीटी जितना जो स्कूल में और अरुणाचल का जितना जो पार्ट में स्कूल है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज से जो स्कूल है उनको हम लोग एक बैठक बुलाया कल गया कल को तो बैठक बुला के हम लोगों ने बोला कि चलो ये ऐसे तो हम उन लोग भी एग्री किया चलो अता जब बोल रहे तो हम लोग ऑनर करना है रेस्पेक्ट करना है बोल के है, हम लोग अता को ऑनर करते हुए टू थाउजेंड नाइनटीन को बेस ईयर मानकर अभी चल रहा है तो टू थाउजेंड नाइनटीन को बेस ऐयर मानने का मतलब वहाँ तक मतलब आपका जो रेशियो फिफ्टी फिफ्टी रेशियो नोटिफिकेशन का बाद जाना है और उसके बाद फिर आर आर को स्ट्रीमलाइन करेगा मतलब जो जो टू थाउजेंड नाइनटीन के बाद जो अपॉइंटी है उसको सिंगल एंट्री दौर बनाएगा बोल के हम लोग ये मास रिजुलेशन एडॉप्ट किया था और आता भी उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को क्लियर कर सुन के रखिए जो डिपार्टमेंट है तो आप लोग गलती ना करें काल को तो आता का तो यहाँ में जो आर आर फिर इसमें प्लेस किया था इसमें शायद इन लोग भी इतना आर आर को हर मतलब कैटेगरी ऑफ टीचर को करते करते शायद थोड़ा सा मतलब ये मिस ये हो गया होगा शायद तो इसमें हम आज सुबह देखा है तो इसमें आर आर में देखा है तो जो कॉलम एलेवन एंड ट्वेल्व होता है इसमें हम देखा है तो हंड्रेड फिफ्टी परसेंट प्रोमोशन फ्राम पी जी टी फिफ्टी परसेंट प्रोमोशन फ्राम द पी जी टी सीनियर मोस्ट बेस करके करना है बोल के लिखा है लेकिन ये डिस्कशन हम लोग का उसमें नहीं था हम लोग डिस्कशन है कि वो अलेवन टवेल्व में हंड्रेड परसेंट टू थाउजेंड ये नाइन्टीन uh, के बाद बनाने के लिए हम लोग बात करें ये तो परमानेंट चीज़ होगा और उसका एक सजेशन कॉलम है कि आपको सजेशन देने के लिए बोला तो आप सजेशन आपका सजेशन जिस तरह हम लोगों को बोला टू तो थाउजेंड नाइनटीन को बेसर रखने के लिए बोला उसी का सजेशन सिर्फ देना था इसलिए उसी को लेके डिपार्टमेंट भी गलती ना करे और टू तो थाउजेंड नाइन्टीन तक आप अपॉइंटमेंट को कर देने से जब हम लोग टीचर हर कैटेगरी ऑफ टीचर जो रिजर्व किया है हम लोग जब कंप्लेन नहीं करें तो कौन आपको कंप्लेन करेगा ना तो इसलिए हम चाहता है कि इस चीज़ को और दोबारा गलती ना करें जब आरआर को अभी आप लोग मॉडिफाई करने के लिए कर रहा है तो सही ढंग से सबका वेलफेयर के लिए सही हो के लिए करने से बहुत आगे जिस अगर ये आरआर को जब हम स्ट्रीमलाइनिंग करता है तो तब तो तो एजुकेशन सैनारी को आप देखिएगा इतना मतलब टॉप क्लास में बेच जाता है तो हम लोग यहाँ में आर डिफेक्टिव करने कारण से क्या होगा हम लोग एजुकेशन पॉलिसी भी बहुत मतलब अभी लोएस्ट सेकेंड लोएस्ट रैंक में है अरुणाचल का तो इसलिए हम सोचते हैं कि इसको आर को रेक्टीपर की किया जाए और जो सही सभी के लिए मतलब सभी जो बच्चों के लिए हम लोग ध्यान देना है और सभी ये के लिए एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग ध्यान देने से बहुत बढ़िया रहेगा ना तो हम लोग का एक कह कहावत भी है कि एक जो बोलता है कि एक मतलब जो फिलोसोफर जो बोला है जो एक कंट्री को डिस्ट्रॉय वीक बनाने के लिए एटम बम का जरूरत नहीं होता है इसको वीक बना एजुकेशन सिस्टम को वीक कराने से सब मतलब वीक हो जाएगा बोलते हैं इसलिए मैं चाहता हूँ इसी चीज़ को रेक्ति पर किया जाए तो सर का जो हम लोग का प्रेसिडेंट सर का एडिशन में मैं बोलना चाहूँगा ये एलिमेंट्री का जो बात कर रहा है तो हम लोग खास करके जो अभी यहाँ में आया हम लोग जो पी जी टी एसोसेंस बोल के पी जी टी बोल के नहीं है तो हम लोग सब के लिए सोच के बात कर रहा है इसको अदरवाइज नहीं लेना है और यहाँ में हम एलिमेंट्री में जब देखता है तो तो वहाँ में हम लोग का गरीब जो माँ बाप है जो वो एफोर्ड नहीं कर पा रहा है अभी जो गवर्नमेंट स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है जहाँ सिक्सटी थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड जो एक प्राइमरी स्कूल का टीचर को प्राइमरी स्कूल जो प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए तो इसलिए हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्राइमरी टीचर को थोड़ा ध्यान दे के उसको एक्स्ट्रा अलाउंस दे के भी इसको क्योंकि वो बेसिक बिल्डिंग है तो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल का जो प्राइमरी टीचर उसमें हम जो प्राइमरी स्कूल में देखते हैं तो प्लेइंग किट्स भी नहीं होता है खेलने के लिए जगह बच्चों को चाहिए तो बच्चों को ज़्यादा खेल खेल के सिखाना पड़ता है इसलिए उस चीज़ को आप लोग ध्यान दे और ध्यान देने से बहुत बढ़िया है और नेक्स्ट जो Uh, कुछ बात हम अपना प्रिंस प्रेसिडेंट सर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप थोड़ा कैरी फॉरवर्ड कीजिए थैंक यू uh, कि डिपेक्टिव आर आर का बारे में बताया मे बी एज ए प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एसोसिएशन फ़िलहाल एसोसिएशन तो खोला है लेकिन हम लोग आटा का बैनर में ही है हम लोग आटा को एक पेरेंटल बॉडी मानता है और आटा का डिसीजन पे आटा को आटा को डिसीजन पे चलता है और आता जो स्ट्रीमलाइनिंग के लिए स्ट्रीम लाइन का जो आर आर जो रिसेंटली प्रेम करने के जो मीटिंग में पास किया गया है उसको हम लोग एक्सपेक्ट उसको हम लोग रेस्पेक्ट करता है स्ट्रीमलाइनिंग के लिए बोला है और स्ट्रीमलाइनिंग को एक्सेप्ट किया है बट टू तक का जो टी है उसको रिलेक्सेशन के लिए बोला गया है उसको हम लोग एक्सेप्ट है और हम लोग होप करता है कि आटा उसको फॉरवर्ड करेगा और डिपार्टमेंट भी उसको टेकअप करेगा रीज़न वही है यहाँ पे सर ने बोला है डिपेक्टिव कहाँ पे है ऊपर है नीचे ठीक है सब ठीक है कहाँ पे गड़बड़ है टीजीटी एंड पीजीटी में देखिए यहाँ पे एच uh, का पोस्ट में दो पिदर ग्रेड रखा गया है एक है पीजीटी जिसको बोलता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और एक है टी जी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स एक प्रोमोशनल पोस्ट के लिए दो लेवल का टीचर्स को रखा गया है एक है लेवल सेवन का और एक है लेवल एट का और लेवल सेवन का जो टीजीटी है वो ग्रेजुएटेड है विथ बी है और लेवल एट का पोस्ट ग्रेजुएशन है विथ ग्रुप बी गजेटेड देखिए दोनों में बहुत अंतर है पी जी आर ग्रुप बी गजेटेड विथ मास्टर डिग्री विथ बी और टी जी टीज आर ग्रेजुएटेड है वो नॉन गजेटेड है और लेवल भी एट का सेवन है एक का एट है वो वो का रीज़न ही नहीं बनता है कि एक एक पीजीटी को जंप करके वो भी सेवेंटी परसेंट जैसे कि दस पोस्ट में से सात पोस्ट को वो ले लेगा हम लोग को सिर्फ थर्टीन पोस्ट देगा ये तो रीज़न ही नहीं बनता है चीज़ों इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा डिफेक्टिव आएगा ये जंपिंग सिस्टम का कारण से आउट ऑफ टर्म प्रोमोशन का प्रॉब्लम निकलता है और क्या क्या प्रॉब्लम निकलता है अगर आप स्ट्रीम कर देगा तो एटलीस्ट वो पी टच करके जाना पड़ेगा ना टच करके जाना पड़ेगा तो सीनियरिटी मेंटेन करने के लिए भी इजी होगा नेक्स्ट प्रमोशन किसका है वो भी आसान होगा यहाँ पे गवर्नमेंट खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसलिए ये प्रॉब्लम को स्पेशली में पेरेंट्स टीचर्स का बीच में तो नहीं बोल टीचर्स लोग सभी जानता है पेरेंट्स एस्पेरेंट्स जो पब्लिक है वो इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एजुकेशन हम लोग का बेसिक नीड है एजुकेशन एक्चुअली हम लोग टीचर के लिए नहीं होता है इट इज़ नॉट फॉर द टीचर नॉट फॉर द मिनिस्टर एम एल ए इट इज़ फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ फॉर द फ्यूचर जनरेशन हम लोग जनरेशन को पेव करने के लिए यहाँ पे देखा गया है कि हम लोग सेल्फ मोटिवस में हमको जल्दी पावर में जाना है हमको जल्दी डायरेक्टर बनना है हमको जल्दी डी बनना है उस मोटिवस में हम लोग पूरा एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पे ना तो ये सिस्टम को हम लोग ठीक करने से ठीक है तो गवर्नमेंट उसको टेकअप करना है यही है तो डिफेक्टिव आर अगर देखिए यहाँ पर बात करेगा तो डिफेक्टिव आर आर राइट फ्रॉम एलिमेंट्री टू सेकेंडरी एलिमेंट्री से लेके सेकेंडरी तक आर आर रूल डिफेक्टिव आर आर है अब ये डिफेक्टिव आर के कारण से क्या होता है सब्जेक्ट टीचर्स का सोतेज हो रहा है ना सब्जेक्ट टीचर्स का सोतेज हो रहा है अभी डिफेक्टिव आप मत सोचिए कि हमारा सार ने बोला है एच एम बी पे वो सिर्फ नहीं है राइट फ्रॉम द एलिमेंट्री अब देखिए एलिमेंट्री का आर आर पे देखिए टीजी टी पी आर टी बोलते जो प्राइमरी टीचर प्राइमरी टीचर से से ये टी में जब जाता है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जाता है उसमें सीनियोरिटी बेसिस पे जाता है सीनीरिटी बेसिस यानी कि जो सीनियर है वो जाता है हम हम कहते हैं कि सीनियरिटी बेसिस पे जाओ लेकिन सब्जेक्ट को फोकस करने से सीखे ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट वैकेंसी पे जाने से सीखे क्योंकि जितना भी पी आर टीस होता है ऑलमोस्ट नाइनटी परसेंट आर ह्यूमिनिटी टीचर्स और पी आर टी खुद को बोलता है कि ऑल राउंडर टीचर है वो सब कुछ पढ़ा सकता है अभी देखिए उसका कारण से टी टी में जितना भी एंट्री हो रहा है सब ह्यूमिनिटी बैकग्राउंड का एंट्री हो रहा है अभी जब प्रमोशन स्ट्रीमलाइनिंग हो रहा है जब प्रमोशन सीनियोर्टी पे जा रहा है सब ह्यूमिनिटी टीचर्स प्रमोशन ले रहा है अभी आप एक्सपेक्ट ही नहीं करता है, सकता है कि मैथ्स और साइंस टीचर तो आएगा ही नहीं मैथ्स और साइंस टीचर तो हर जगह सोरते जाओ हम ये कहते हैं कि एलिमेंट्री में भी डिफेक्टिव आ रहा है यही है कि आप सब्जेक्ट वैकेंसी पे अगर टी का कोई टीचर कोई मैथ्स टीचर अगर रिटायर हो गया वो वैकेंसी हो गया उसका जगह में मैथ्स टीचर को प्रमोशन कराना है ना वेकेंसी पे वैकेंस सब्जेक्ट मुताबिक और अभी देखिए किसी स्टेट में किसी एरिया में अगर स्कूल खोला है वहाँ में मैथ्स टीचर का ज़रूरी है साइंस टीचर का ज़रूरी है साइंस टीचर को प्रमोशन कराइए या प्रेस रिक्रूटमेंट कराइए यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं चल रहा है गड़बड़ चल रहा है तो उसका कारण से सब्जेक्ट टीचर्स का शॉर्टेज एलिमेंट्री में भी हो रहा है और उसका जरिए अभी सेकेंडरी में भी हो रहा है तो ये एज ए पी हम लोग इसको देखता है देख के आप लोग को बोलता है कि इसको थोड़ा सा संभाल के कीजिए क्योंकि स्टेट का सवाल है ना हमारे फ्यूचर का सवाल है ये सब्जेक्ट टीचर का सोर्टेज अभी देखिए यहाँ पे देखिए डिफेक्टिव आर आर का कारण से क्या हो रहा है डिफेक्टिव आर आर का कारण से क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे सोर्टेज ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स इन हायर सेकेंडरी लेवल में भी हो रहा है देखिए हायर सेकेंडरी में क्या होता है वन इज टू फोर्टी फाइव का रेशियो होता है एक टीचर फोर्टी फाइव स्टूडेंट को पढ़ा सकता है लेकिन आप देख सकता है मोस्ट ऑफ द हायर सेकेंडरी स्कूल सर मोर देन वन इज टू हंड्रेड बहुत सारे ह्यूमिनिटी टीचर्स लोग बहुत सारे टीचर्स लोग वन इज़ टू हंड्रेड में पढ़ा रहे हैं एक टीचर हंड्रेड मोर देन हंड्रेड का स्टूडेंट्स का लेवल में पढ़ा रहे हैं अभी देखिए यहाँ पर पी में पोस्ट क्रिएशन भी करना चाहिए था लेकिन हम लोग बर्डन ले रहे हैं हम लोग पी एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग एक हिलने से पूरा हिलने, हिलना सिस्टमेटिक हिलना पड़ता है हम लोग इतना टाइट हेक्टिक में हम लोग काम कर रहे हैं तो ये हेक्टिक किस कारण से है देखिए आप लोग समझ सकता है वो स्ट्रीम नहीं होने का अभी पी को एक एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट पी जी हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा चांस नहीं दे रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में टी को ज़्यादा चांस दे रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में अगर बात करेगा तो जैसे कि बी आर सी सी आर सी ए पी ओ बी ओ डी ए अभी प्रेजेंट आर आर को फोकस करेगा तो ये सब टी जी टी का एनालॉगस पॉस है टी जी टी लोग यहाँ पर जाता है तो एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को टी जी लोग राज करता है जबकि वो लोग सब्जेक्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है हम लोग मास्टर डिग्री करके सब्जेक्ट हम लोग ये क्या अगर हम लोग ये कहता है कि पी टी भी अगर खुद को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कहता है तो पी में प्रमोशन ले लीजिए ना वो पी जी थ्रू से आने से ठीक है तो यही ये रीज़न है यही रीज़न है कि हम लोग कहता है कि जैसे कि सर ने कहा है कोई जेई जो यही नहीं बन के सीधा एग्जीक्यूटिव तो नहीं बन सकता है इसको आप लोग इसको ये अरुण भूमि चैनल का तरफ से रिक्वेस्ट करता है कि इसको गवर्नमेंट थोड़ा तो ध्यान देने से ठीक है ये सी चीज़ को और उसके बाद यही प्रॉब्लम है कि हमारा पी जी टीच लोग क्या होता है ये बहुत हार्ड वर्क करता है स्कूल में पैंग टीचिंग बहुत मेहनत करता है सब कुछ कर रहा है लेकिन बिकॉज ऑफ ये डिफेक्टिव आर आर का, का कारण से क्या हो रहा है कि हम लोग बदनाम खाता है बदनाम अभी देखो सेकेंडरी लेवल में जितना भी क्लास टेन एंड ट्वेल्व का रिजल्ट पे ही फोकस करता है स्टेट का तो टेन ट्वेल्व को कौन टेकअप करता है हम लोग करता है सेकेंडरी टीचर लोग हम लोग करता है तो हम लोग टेकअप करने से हम लोग वो हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है रिजल्ट क्यों खराब हुआ चीज़ वही है कि रिज़ल्ट खराब क्यों होता है क्योंकि डिफेक्टिव आ रहा का कारण से क्योंकि फाउंडेशन ही ख़राब है ना ग्रास रूट फाउंडेशन ठीक नहीं है क्लास नाइन तक जो पहुंचता है कुछ कुछ स्टूडेंट्स लोग रीडिंग राइटिंग भी ठीक से नहीं जानने वाला लोग पहुँचता है उसको हम लोग टेकअप करना पड़ता है तो पी लोग ये जो सेकेंडरी लेवल में जो टीचर्स लोग होता है हम लोग जो हायर सेकेंडरीज में जो टीचर्स होता है हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन चीज़ जो वही है कि फिर भी हम लोग बदनाम है हम लोग बदनाम है हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन में जाना जाने नहीं चाहता है क्या हर जगह रुखावट ये टिप आर आर जो नाइनटीन में बना था वाला है हमको लगता है कि ये आर आर बिफोर इस्टदे में बना होगा हम लोग का इस्टद का तो बिफोर इस्टिदुद्दे का आर आर उलू को ये ट्वेंटी सेंचुरी में हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेगा इसीलिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है कि ये आर आर रूल को मॉडिफिकेशन करो और इसको मॉडिफिकेशन आप लोग ऐसा करना है जो फ्यूचर में सभी के लिए फ्यूचर हमारा फ्यूचर जनरेशन सभी के लिए भलाई हो और ये आर आर ऐसा नहीं है कि हम अपना मोटिव्स में बात कर रहे हैं ये एक्चुअली फॉर द इंटायर स्टेट्स के लिए ये है आ, यही वर्ड के साथ में यही तक समाप्त करना चाहता हूँ थैंक यू